दोस्तों, जब हम BTS के आर्मीज बनते हैं तो हमारे आर्मी वर्ड में एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है और वो है सासिंग फैंस। तो दोस्तों, ये वो ऑब्सेसिव फैंस होते हैं जो BTS से मिलने के लिए या फिर उनकी झलक देखने के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट आज बताने वाली हूँ जिसके बारे में करना तो दूर की बात है, आप कभी सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों, ये एक रियल इंसिडेंट है जो एक सासिंग फैन ने BTS मेंबर्स के साथ किया था। और पूरा इंसिडेंट जानने के बाद आपको पता चलेगा कि BTS मेंबर्स को इस इंसिडेंट के बाद कैसा फील हुआ होगा। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या कर दिया एक फ़ैन ने BTS के साथ, ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। दोस्तों, कभी कभी लोग बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में वो सोचते भी नहीं हैं और उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा होता कि वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, और उसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक इंसिडेंट एयरप्लेन पर BTS मेंबर्स के साथ हुआ था। तो दोस्तों, इस इंसिडेंट को बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक बहुत ही गंदा इंसिडेंट है, और इसे सुनने से पहले आप अपने माइंड को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, एक बार जब BTS के सभी मेंबर्स एयरप्लेन पर ट्रेवल कर रहे थे तो उनमें से एक मेंबर, जिनका नाम हमारी क्यूट मोची या फिर जिमिन है, उनके साथ एक बहुत ही वल्गर इंसिडेंट हो गया था। तो दोस्तों, एक्चुअली जिमिन एयरप्लेन पर वॉशरूम यूज़ करने गए थे, और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आए, अचानक से एक लड़की आई और वो सीधे उनके वॉशरूम के अंदर घुस गई। हालांकि जिमिन वहाँ से बाहर आ चुके थे, लेकिन वो जैसे ही वॉशरूम के अंदर गई, उसने कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग किया। और दोस्तों, वो चीज़ रियल में इतनी ज़्यादा बुरी है कि आपको बताने से पहले ही मुझे अजीब लग रहा है। तो दोस्तों, एक्चुअली जब वो लड़की जिमिन के वॉशरूम के अंदर गई तो उसने वहाँ पे जो टॉयलेट सीट थी उसको लीक करना स्टार्ट कर दिया। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये एक रियल इंसिडेंट है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि जब वो लड़की वॉशरूम के अंदर गई और उसने जब कुछ ये सब करना स्टार्ट किया तो इसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करी। दोस्तों, जब ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ तो BTS की आर्मी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि वो सपने में भी नहीं सोच सकती कि कोई इतना ओवर ऑब्सेसिव कैसे हो सकता है कि ऐसी गंदी हरकत करे। लेकिन दोस्तों, हम समझ नहीं सकते कि आखिर उस लड़की के माइंड में उस टाइम पर चल क्या रहा होगा। और दोस्तों, ज़रा जिमिन के बारे में सोचिए, जो जैसे ही उस वॉशरूम से बाहर निकले थे और उनके सामने ऐसा कुछ हो गया, कैसा लगा होगा उन्हें। और BTS के मेंबर्स को जब उन्हें पता चला होगा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस हद तक गिरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, काफ़ी सारे फैंस ने खुद को समझाया और इस चीज़ को माना कि हर जगह अच्छाई और बुराई होती है और हमें दोनों से ही डील करना पड़ता है। और शायद BTS भी अपनी लाइफ में ऐसा ही करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिव फैंस के बारे में ही सोचते हैं और इसीलिए हमेशा प्रोग्रेस करते रहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत ही सारे अजीब अजीब इंसिडेंट्स हैं जो सासिंग फैंस ने BTS के साथ करे हैं, लेकिन ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो उनमें सबसे ऊपर माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस इंसिडेंट के बारे में पहले सुना था तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें। इसके साथ साथ हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।